What's up guys, this is Adil. और कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ. आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में बताएं. और सीन कुछ ऐसे हैं कि मैंने एक ज़रूरी बात करनी है, मगर हम बात जाके अंदर इस घर के अंदर जाके बात करेंगे. सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट हुज होम इट इज. अच्छा, मैंने एक आप लोगों से ज़रूरी बात करनी थी. हाँ, ज़रूरी बात ये है कि जैसा कि मैंने बताया था कि वो कोर्सेरा जो है वो फ्री कोर्सेज ऑफर कर रहा है अपने पिछले ब्लॉग में, तो उसमें आप ज़रूर जाके उसको चेक करें और कोर्सेज को एनरोल करें और कोर्सेज को स्टार्ट करें. ये ज़रूरी है, फर्स्ट कोर्सेज को स्टार्ट करें एंड डोंट गिव अप. अपना टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करें सोने में और फजूल कामों में, बस गुड़ियाँ ही उड़ाते रहें. आई मीन बस गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं. लोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लड़कियां तो नज़र नहीं आ रही, बस ऐसे ही देख रहे हैं कि शायद कोई लड़की नज़र आ जाएगी. मगर इन चीज़ों से यार दूर रहो. शादी करनी है ना, एक टाइम पे हो जाएगी तुम्हारी शादी, इसलिए इस चीज़ की टेंशन नहीं लो और इधर उधर ताड़ना छोड़ दो. अपने काम पे ध्यान दो और देखो कि मैं अपने को एक अच्छा इंसान कैसे बना सकता हूँ, मटेरियली, स्पिरिचुअली, मेंटली कैसे मैं जो है वो फिट हो सकता हूँ. और यही टाइम है बेटा अपने को ज़बरदस्त करने का, क्योंकि फिर तुम लग जाओगे जॉब में, फिर तुम लग जाओगे पढ़ाई में, तो हो सकता है तुम अपने पर रिफ्लेक्ट ना कर सको. अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो गाइस, इस पर रिफ्लेक्ट करो कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी आर डूइंग प्रेजुडिस विद द पीपल्स. आई एम गुड एज माई रिलीजन इज डैश एंड ही इज काफिर, और हम अच्छे हैं तुम बुरे हो. सो गाइस, अब आप देखें ना, अब कोरोना वायरस आया ना, सबको चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ था, चाहे वो खुदा को भी नहीं मानता था, चाहे उसकी सोच जैसी भी थी, अब सब क्या हुआ है, सब जो है ना वो ज़िंदगी बचानी है. अभी इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना कि ज़िंदगी बचानी है. तो इंसान देखो कितना वो होता है कि इस चीज़ में पड़ा रहता है कि मैं अपनी, हर कोई जो है ना वो इस चीज़ की फ़िक्र करे कि अभी कोरोना वायरस किसी को नहीं देखेगा, वो ही नहीं देखेगा कोई बंदा कितना है, कोई जो है वो कितना जो है ना वो बड़ा ही अयाश किस्म का है या बहुत ही जो है ना वो बुरा आदमी है, वो रूहानी तौर पर कितना बुरा है. मगर ये है कि इस टाइम जो है वो हर कोई यही देख रहा है, ह्यूमैनिटी जो है ना वो एक हुई है. इस टाइम ये ज़रूरत है कि हम एक सोच के साथ एक सोच रखें, और वो ये सोच होनी चाहिए ह्यूमैनिटी, वी आर वन, वी आर द फ्रूट्स ऑफ वन ट्री एंड द लीव्स ऑफ वन ब्रांच. सो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब जो है ना वो एक ही दरख्त के फल और एक ही शाख के पत्ते हैं. तो यार एक दरख्त के फल जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक दरख्त के पत्ते जो है ना एक दरख्त पर जो फल लगते हैं वो भी आपस में जुड़े हुए होते हैं साथ, वो अलग अलग नहीं होते. और इसी तरीके से तो यार सीन कुछ ऐसे हैं कि कतरे कतरे से दरिया कैसे बनेगा, हम तो सिर्फ कतरे ही कतरे अलग अलग रह गए, हम तो दरिया कभी बन ही नहीं सकते. तो यार सोचो इसके ऊपर कि हमें दरिया बनना है, हमें कतरा कतरा नहीं रहना है. तो यार मुझे इस चीज़ पर सोचने में मजबूर कर दिया है कि हमें जो है ना वो अगर एक पाकिस्तानी अब होना नहीं है, अब हमें सिर्फ हमें पूरी दुनिया का सोचना है. देखें अब पूरी दुनिया इससे मुतासर है, हर चीज़ जो निज़ाम है ना वो निज़ाम ज़िंदगी ख़राब हुआ हुआ है. चाहे एजुकेशन सिस्टम को देखें आप, अपनी इकॉनमी है, आपकी हर चीज़ है वो अभी तबाह हुई है. वर्ल्ड बैंक को भी जो है ना वो लाले पड़ गए हैं और बड़ी मुश्किलात आ रही हैं. तो बेटा तो गाइस सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी हमें सोचना चाहिए कि हम जो है ना वो एक हो के सोचें, नौए बशर का सोचें, नौए बशर की खिदमत का सोचें, बेलोस खिदमत का सोचें. एक ये इस चीज़ को भूल जाएं कि हम किस मसलक से हैं, हमारे क्या सोच है, उसकी क्या सोच है, वो जो है वो काला है, वो गोरा है, वो दाढ़ी वाला है, वो बग़ैर दाढ़ी के है. हम सब जो है ना वो एक तरह से, कोई फ्रेंच रखता है मेरी तरह, दाढ़ी भी कभी रख लेता हूँ, तो यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इंसान का जो है ना वो खलूस नीयत होनी चाहिए, उसका दिल साफ़ होना चाहिए,
वो दिन गुजर गए जब महज इबादत को काफ़ी समझा जाता था। तो अब जो है ना वो इबादत और खिदमत होनी चाहिए यार। खिदमत अगर करनी है ना, खिदमत खिदमत यार, खिदमत खिदमत क्या होती है, खिदमत यह होती है कि आप दूसरे की मदद करते हो किसी ना किसी तरीके से। मगर इस दौर में जो है ना वो आपको पता है अभी ये कितने डॉक्टर्स जो है ना वो इतने लोगों का इलाज करें, कितने जो है वो फौत भी हो गए। तो ये एक खिदमत है, एक बड़ी बहुत बड़ी खिदमत है ये। मगर ये है कि पहले किस तरीके से एक बिज़नेस बना हुआ था, मगर अब यह है कि अब सब अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी नहीं, यानी दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं रही कि जी मैं कर लूँ कि मैं अपना बैंक बैलेंस जो है ना वो बढ़ा लूँ। अब ज़िंदगी बचानी है यार अपनी, और दूसरों का भी ख्याल रखो। और इस चीज़ में ये करो कि अपने जो ये जो टाइम है ना इसको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो, अपने को सबसे बेहतर इंसान बनाओ। तो गाइस ये है कि वी शुड बिकम वन। आप जिस दिन से हो, आपका सोच जो भी है, हम दूसरों की बेहतरी के बारे में यार सोचें। सो मेरा लास्ट मैसेज यही है कि वी आर वन फैमिली एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रेन, आवर ब्रदर एंड सिस्टर, मदर्स, सबके साथ जो है ना वो हमें एक अच्छा रवैया रखना है। सो गाइस सीन कुछ ऐसे हैं कि इसी के तो पैसे हैं। आई एम साइनिंग आउट, अदील आउट, बाय।